वार्ड नंबर 23 के जो पार्षद हैं विजय ओझा, वो तो अभी जैसे कि हम लोग को इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि रोज रोज नई नई समस्याएं आती हैं और उस समस्याओं को हम लोग समाधान करते हैं। लेकिन एक समस्या तो हम लोग जो कैमरे लेकर निकले इस वार्ड की तफ्तीश करने के लिए, और हमारे साथ यहाँ पर सावरमल अग्रवाल जो कि इस वार्ड से इस बार तृणमूल पर अपना भाग्य आजमा रहे हैं वो भी है, उनसे तो बाद में पूछेंगे। लेकिन जो सबसे पहले युवा शक्ति के कैमरे में जो सामने नजर आ रहा है पहले वो दिखाएं, उसके बाद फिर इनसे पूछेंगे। देखिए मेरे हाथ में एक बाल्टी है और मुझे अगर पानी लेना है, या फिर अगर समझ लीजिए मैं तो एक युवा हूँ, लेकिन अगर कोई वयस्क लोग को, अगर कोई सीनियर पर्सन को या फिर कोई महिला को, अगर इस घर में ये कितना नंबर शिव ठाकुर लेन है, ये 47 नंबर शिव ठाकुर लेन मैं के घर में खड़ा हूँ और इस वक्त आपको रियलिटी चेक करवा रहा हूँ। देखिए किस प्रकार से पानी लेना है, देखिए मुझे, देखिए मुझे यहाँ उतरना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है जैसे कोई तहखाने में मैं जा रहा हूँ पानी लेने के लिए। और ये देखिए इतना नीचे मैं आऊँगा और उसके बाद अगर मेरे कमर में दर्द है, अगर समझिए कोई 60 या 65 या 70 साल का कोई बुजुर्ग है और वो व्यक्ति अगर यहाँ पर पानी ले, इसे रहने दीजिए, अगर कोई 70 साल का बुजुर्ग है और उसे अगर पानी लेना है तो शायद वो तो माथा के बल यहाँ गिर सकता है। पता नहीं महिलाएं यहाँ पानी कैसे लेती हैं। फिर से मैं दिखा रहा हूँ उसको, देखिए ये पानी मैं ले रहा हूँ, ये देखिए ये कहाँ से पानी निकल रहा है, ऐसा लग रहा है 2021 में नहीं है, 1921 में मैं खड़ा। देखिए पानी मैं यहाँ से मुझे लेना है और फिर आप यहाँ से चढ़ नहीं सकते। मैं कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा पीछे से दिखाए, इसे मैं यहाँ से आगे चढ़ भी नहीं पाऊंगा, मुझे पानी लेकर यहाँ से घूमकर और तब चढ़ना है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं अकेला हूँ तब तो मैं इतना जगह लेकर आराम थोड़ी सी दिक्कत को सहकर कर लूंगा, लेकिन अगर यहाँ 8-10 लोग हैं, जैसा कि यहाँ पाइप लगा हुआ है, शायद ये टाइम कल है, अगर टाइम कल अगर आता है तो निश्चित तौर पर यहाँ कम से कम 20-25 जो बाल्टियाँ आती ही होंगी, उस वक्त क्या स्थिति होगी। अब मैं पूछूंगा सावरमल जी से। सावरमल जी, कहते हैं लिखतम के आगे बख्तम नहीं है, क्या कहेंगे? ऐसा है कि उसके ऊपर मैं ये कहूंगा, हाथ कंगन फारसी के, पढ़े लिखे को फारसी। हमने तो सुनी, दुकान से सुनी या अपने आंखों से देखा, हम सभी देख रहे हैं, यहाँ लोग भोग रहे हैं। हम बाहर निकल के कहें हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं है, रोज समस्या आती है उसका समाधान करते हैं, क्योंकि जो समस्या लगातार चली आ रही है उसका समाधान कौन करेगा, कब होगा? जो दैनिक जीवन में हम ये गंदा पानी पेट में जा रहा, सीवर लाइन का पानी, पीने का पानी एक साथ मिलकर पेट में जा रहा, इस पर कोई चिंतन नहीं है, इस समस्या का समाधान करने की कोई योजना नहीं। अच्छा, हम आप इस वार्ड से खड़े हुए हैं पार्षद के रूप में, अगर खुदा ना खास्ते अगर आप समझ लीजिए कि चुनाव जीत ही जाते हैं और आप समझ लीजिए इस वार्ड के प्रथम नागरिक के रूप में रहेंगे, आपको सब यहाँ पर गार्जियन, चलिए आपको मैं आप एक चुनौती देता हूँ छोटा सा, कि आपका ये वार्ड है और आपको यहाँ से अगर पानी भरना है तो आप कैसे करेंगे, आप कैसे पानी भरेंगे? ऐसा है, इस खड्डे में उतरकर पानी भरना मेरे जैसे व्यक्ति के लिए असंभव है। आपने भी प्रदर्शित किया, आप जवान हैं, मैं देख रहा था आपके पैर कांप रहे थे, ठीक है, आपको अगर गर्म होता तो आपको पसीना आ जाता। मेरे जैसे लोगों के लिए, यहाँ जितने भी लोग हैं उनके लिए संभव असंभव है। लेकिन एक सवाल है, मेरा जैसा व्यक्ति इसमें उतर नहीं सकता, पानी की किल्लत है, मैं स्पष्टवादी आदमी हूँ, मेरी समस्या को यदि मैं घुट घुट कर जीऊँ, मेरे पास कहने के लिए आवाज नहीं है, इसके लिए दोषी मैं भी हूँ। मेरी समस्या, मेरे घर की समस्या मैं बोल नहीं सकता, क्यों? अगर आप कहेंगे तो आवाज बाहर जाएगी, अगर बाहर जाएगी तो ऊपर तक पहुंचेगी, वहां हमारी नेत्री ममता बनर्जी बैठी है, इन्हीं कामों के लिए साक्षात है, आवाज भी अपनी लगाएंगे। हम आए देखने, हमारे जो पार्टी के वार्ड में कार्यकर्ता है वो मजबूर है, टपक कर नहीं जाना चाहते, इसलिए मैं कहता हूँ विधायक हमारा, सांसद हमारा, सरकार हमारी, पार्षद क्यों नहीं, एक। दूसरी बात, ये जो समस्याएं आपने एक मकान के अंदर देखी, मैं आपको 5-7 मकानों का नंबर बता सकता हूँ, इससे भी बदतर हालत, बदबूदार हालत आप जाकर दे सकते हैं। आपके बगल में मैं घूम रहा हूँ, मैं ताजुब कर रहा हूँ, इस वार्ड के अंदर, इस अंचल के अंदर, जहाँ से हम सरकार को रेवेन्यू सबसे अधिक देते हैं, सबसे अधिक रेवेन्यू ये 2-3 वार्डों से जाता है, और सबसे बदतर हालत हमारी है, इसकी गफलत है। मैं व्यक्तिगत आरोप नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात है, मान लीजिए मुझे एक जिम्मेवारी दी गई, आप वार्ड की सेवा कीजिए,
मैं वार्ड की सेवा करने आया। फिर मुझे ये कहा गया कि नहीं, आप वार्ड में तो सेवा कर रहे हैं, आप पूरे राज्य की सेवा कीजिए और मेरे राजनीतिक दल का प्रचार कीजिए। ठीक है, तो ये बताइए कि मुझे ये जिम्मेवारी दी गई है मैं वार्ड की सेवा करूं, और वो व्यक्ति यदि वार्ड के बाहर पूरे बंगाल की जनता को ये कहने जाता है मेरा राजनीतिक दल कैसा है, तो ये समस्या ऐसी ही बनी रही। इसलिए ममता बनर्जी ने कहा हमारी पार्टी का सिद्धांत वन मैन वन पोस्ट, एक पद एक जिम्मेवारी। चलिए, अभी सवाल तो बहुत सारे करेंगे, इनके साथ हम लोग दिन भर रहेंगे भी, लेकिन अब ज्यादा सवाल इस 47 नंबर शिव ठाकुर लेन के इस घर में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप देखिए कि जिस प्रकार से ये तारों का जंजाल है, और ये जो घर है जिस प्रकार से ये बहुत पुराना बहुत जर्जर हो गया है, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग बातचीत कर रहे हैं और ये हमारी शायद आखिरी बातचीत हो जाए, क्योंकि कब ये हमारे ऊपर आके गिर जाएगा कोई, इसका कोई ठीक नहीं है। इसलिए चलिए बाहर निकलते हैं, और बाहर चलकर सावरमल जी के लिए साथ हम लोग दिन भर घूमेंगे और बहुत सारे मुद्दों को पकड़ेंगे, लेकिन अभी कुछ सावरमल जी युवा शक्ति के कैमरे में कुछ कहना चाहते हैं। आप युवा पत्रकार हैं, पत्रकार साहसी होता है, आपका दिल धड़क गया है कि स्थिति देखिए, आप पूछिए बच्चे परिवार लेकर ऊपर जो रह रहे हो, देखिए बच्ची वो रह रहे हैं, हम लोग के दिल धड़क रहा सिर्फ 10 मिनट में वो जीवन गुजार रहे हैं ऐसी स्थिति, उस स्थिति को सोचिए उन पर क्या गुजरिए, किस स्थिति में, ये आतंक है, ये व्यर्थता का आतंक है, हम लोग इसको दूर करना चाहते हैं। और आपने कहा यदि आप जीतेंगे तो आप जान लीजिए हम जीत रहे हैं, इन समस्याओं को दूर करने के लिए हम आ रहे हैं और यह समस्या दूर करके रहे। आइए चलिए अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।